महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत जल्द अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि बहुत सारी सेल्स को डिजर्व करती है अपने सेगमेंट के अंदर, लेकिन अभी तक वो अचीव नहीं कर पा रही है, फाइनली उस गाड़ी को अपडेट करने जा रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स। मैं बात कर रहा हूँ एक्सयूवी 300 के फेसलिफ्ट के बारे में। इस गाड़ी को बहुत जल्द अब एक नया फेसलिफ्ट मिलने वाला है, और आई होप आपने वो सब वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी हमने दिए आपके लिए पहुंचाने के लिए इन्फॉर्मेशन एक्सयूवी 300 फेसलिफ्ट के बारे में, वो आपने देख लिए होंगे। तो अगर आपने वो देखे थे तो आपको सभी पता ही होगा गाड़ी के बारे में कि गाड़ी के साथ में क्या आने वाला है, क्या नया आने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब आपको पता ही है। लेकिन आज के इस वीडियो में नया ये होने वाला है कि गाड़ी की लॉन्च डेट जो है वो थोड़ी सी चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें भी एज़ पर द रिसोर्सेज कुछ ना कुछ नया पता चल जाता है कुछ दिनों के अंदर ही। 2-3 दिनों में ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आती है जिनके चलते हमें आपके लिए नया वीडियो बनाने पड़ता है, जिसमें हम आपको बता सके कि जो अपडेट्स है या फिर रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो हमें चेंज अपडेट में देखने को मिला है वो आपके तक पहुँचाने के लिए हमें नई वीडियो क्रिएट करनी पड़ती है अगेन वही टॉपिक के ऊपर। तो इसीलिए इस वीडियो को भी बनाया जा रहा है। एक्सयूवी 300 फेसलिफ्ट का जो लॉन्च डेट था उसके बारे में हमने आपको उस प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी, लेकिन हमने शायद वो आपको बताया था कि एग्जैक्ट लॉन्च डेट कब थी वो भी आपको शायद हमने बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लॉन्च डेट के बारे में चेंजेस हुए हैं, मतलब कि नई लॉन्च डेट अब आने वाली है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। गाड़ी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर में आपको फ्रंट और रियर दोनों ही बम्पर्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, फ्रंट और रियर बम्पर चेंज तो कम्प्लीटली नहीं होने वाले, लेकिन उस बम्पर्स के ट्विक्स आपको देखने को मिलेंगे, फिक्सिंग्स आपको देखने को मिलेगी बम्पर्स के अंदर, जिनके चलते आप सिग्निफाई या फिर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये भैया नई वाली एक्सयूवी 300 फेसलिफ्ट है। अगर हम बात करें रियर के अंदर, तो रियर में टेल लैंप जो है उनकी डिज़ाइन चेंज कर दी जाने वाली है, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो थोड़ी सी लुक्स में इन्हांसमेंट नहीं लाती है, लोगों को वो रियर डिज़ाइन थोड़ी सी कम ही पसंद आती है। फ्रंट की डिज़ाइन की बात करें तो वो भी चेंज कर दी जाने वाली है, हेडलैम्प्स का सेटअप पूरा चेंज हो जाने वाला है, फॉग लैम्प्स आपको फुल्ली LED के सेटअप के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन बात करें डायमेंशंस वगैरह की तो वो सेम रहने वाले, क्योंकि गाड़ी का न्यू जनरेशन वेरिएंट नहीं आ रहा है कोई भी मॉडल, सिर्फ फेसलिफ्ट मिल रहा है गाड़ी को, तो इस वजह से जो भी डायमेंशंस है गाड़ी के वो सेम ही रहने वाले एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस या फिर प्री फेसलिफ्ट मॉडल, क्योंकि लेंथ विड्थ हाइट ग्राउंड क्लियरेंस या फिर बूट स्पेस वो सब सेम रहने वाले हैं। कुछ लोग हमें कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया नई वाली जो फेसलिफ्ट होगी वहाँ पे बूट स्पेस जो होगा वो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा या फिर इन्हेंसमेंट उसमें इम्प्रूवमेंट्स महिंद्रा करेगी या फिर नहीं करेगी, तो उसका सीधा सीधा रीज़न यही है या फिर आंसर यही है कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगे। अगर बूट स्पेस को बढ़ा दिया जाता है तो फिर अंदर इंटीरियर में कैबिन के अंदर जो स्पेस मिलती है वो आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अगेन गाड़ी के डायमेंशन सेम ही हैं, इसी के चलते कोई भी डायमेंशंस में चेंजेस महिंद्रा नहीं करेगी, क्योंकि गाड़ी का न्यू जनरेशन वेरियंट ये नहीं है, सिर्फ फेसलिफ्ट है, इसी वजह से डायमेंशंस जो है वो सेम रहने वाले हैं, तो गाड़ी के अंदर वो सब चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जिनके चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली फेसलिफ्ट के लिए या फिर कुछ और गाड़ी के सामने जाने से पहले आपको रुकना चाहिए या फिर आपको हो सकता है इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाए गाड़ी के अंदर। इंटीरियर के बारे में बात करते हो, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर चेंजेस के अलावा वो पूरा चेंज देखने को मिल सकता है या फिर फुल्ली डिजिटल मिल सकता है, जैसा हमने एक्सयूवी 700 के साथ में देखा है, और हो सकता है इंफोटेनमेंट सिस्टम ही जो है वो फ्लोटिंग देखने को मिल जाए, जो अगेन एक्सयूवी 700 के साथ में हमें ऑलरेडी देख लिया है हमने। तो ये सब था इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात करें तो वहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के साथ में लिमिटर देखने को मिल सकता है, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि महिंद्रा के पास में वो सब फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल हो चुकी है। तो पूरी उम्मीद है कि वो सब इन लोगों को मतलब ज़्यादा नहीं होगी प्रॉब्लम गाड़ी के साथ में इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो सेगमेंट में पहली गाड़ी होगी जो क्रूज़ कंट्रोल के साथ में लिमिटर भी प्रोवाइड करेगी। तो ये सब देखने वाली बात होगी कि गाड़ी के साथ में क्या कुछ ऐसे मेजर चेंजेस होते हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट के फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे।
उसके बाद कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो वो होगा वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, 64 प्लस एम्बियंट लाइटिंग विद द कलर, जो अगेन आपको एक्सयूवी 700 में भी मिलती है, लेकिन उस पर 64 जैसा कलर्स ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन इसमें मिलते हैं या फिर नहीं मिलते वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन एज पर दी रिसोर्सेज हम आपको बता रहे थे कि वो शायद मिल सकते हैं आपको, लेकिन वो क्या होगा क्या नहीं एग्जैक्टली वो तो गाड़ी के आने के बाद ही पता चल सकता है। इसके अलावा आपको सनरूफ तो अभी जो मिलते हैं वही आपको देखने को मिलेगी, सिंगल पेन सनरूफ आपको देखने को मिलेगी, लेदर सीट, सीट लंबा सपोर्ट, ड्राइविंग सीट जो होगी वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगी, जो अभी वाली एक्सयूवी 300 के अंदर देखने को नहीं मिलती, आपको अभी सिर्फ मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि फेसलिफ्ट के साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगी ड्राइवर सीट। इसके अलावा बात करें तो आपको इंटीरियर के अंदर कुछ ऐसे टचेस देखने को मिलेंगे जो कि इंटीरियर की क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा बना देंगे, जिस वजह से गाड़ी की इंटीरियर क्वालिटी ओवरऑल अच्छी नज़र आएगी आपको, जैसा महिंद्रा ने किया है एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन के साथ में, जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि अपनी गाड़ी को लेके और ज़्यादा टेंस हो गई है अब महिंद्रा, क्योंकि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स ला रही है और इसी के चलते गाड़ी की सक्सेस जो है गाड़ी को सक्सेस मिल रही है, और पूरी उम्मीद है कि एक्सयूवी 300 फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद उसको भी बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, उसके ऊपर की महिंद्रा अभी की भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होने वाली है, लेकिन उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करने वाले। इसके अलावा बात करें तो मोर प्लसनेस इन द इंटीरियर, इम्प्रूव्ड डैशबोर्ड क्वालिटी, बेटर प्लास्टिक क्वालिटी इन द इंटीरियर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल सकता है, न्यू फीचर्स इन द MID, सेफ्टी में आपको 5-star सेफ्टी तो मिलने वाली है, साथ ही में 6 airbags, ABS/EBD, ESP, हील होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिल जाएंगे। अब फाइनली बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में, लेकिन उसके पहले बात करते हैं प्राइजेस के बारे में। तो प्राइजिंग गाड़ी की होने वाली है 8 लाख से लेके 15 लाख तक, वहाँ पे ही आपको गाड़ी की प्राइजिंग हर एक वेरिएंट की देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा फाइनली बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में, जो कि न्यू आई है, मतलब कि अपडेटेड लॉन्च डेट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वो है दिसंबर 2022 या फिर नवंबर 2022। वो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब सुनो क्लाइमैक्स क्या है। तो गाड़ी को लॉन्च किया जाने वाला है अक्टूबर के महीने में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गाड़ी को अक्टूबर के महीने में लॉन्च कर दिया जाने वाला है। तो ये सुन के आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो दोस्तों बस इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके कोई भी डाउट्स है तो फिर आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।